स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अजीत, शकुन, शकुन, प्लीज देखे ना बाप को क्या हुआ है। शकुन, बाप, शकुन, चलो उठो, चलो उठे ना बाप, चलो उठो, शकुन, चलो घर चलो, शकुन, चलो, मैंने इनसे कहा घर चलो, तो उन्होंने कहा हमारा कोई घर नहीं है। बस बेटा, नहीं है घर। शकुन कहना होल्ड ऑफ इट सर। घर बस है आदि, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारा घर है, तुम अकेले नहीं हो, हम है ना। करते रमन निशिता पहुंच गए होंगे, है ना। वैसे आज तो ना मजा ही आ गया, भाई की शक्ल देखी थी, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्म आ रहा था। बनता तो वो हीरो है, लेकिन आज तो उसकी हालत ना चूहे जैसी हो रखी थी बस। मेरे पुत्र को कैसे बोल रहे हो चूहा? ओए ओए, मेरा रमन शेर है, शेर पंजाबी गबरू जवान। तुसी देखना, इशिता के लिए उसने कोई चंगा ही प्लान किया होना है। मेरी तो माता रानी से प्रार्थना है कि आज इन दोनों की नवी शुरुआत है, इन दोनों को हमेशा सलामत रखे, और सारी जिंदगी इन लोगों ने सबके लिए कुछ किया, अब ये एक दूसरे के लिए कुछ करें, ठीक है ना। अरे भाई तू क्यों आया? ओए रमन, तू वो वापस क्यों आ गया? तू तो अपनी दुल्हन के साथ गया था ना, उनकी से लेना आया है। ओ, पुत्र क्यों आया? इतनी जल्दी क्यों आ गया? सब क्या है? प्लीज गेट लॉस्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे आदि पुत्र, आदि, अरे आदि मेरा बच्चा। और तोशी जी इसे क्या होया? पुत्र कुछ नहीं, ठीक है, कचरा मॉम, प्लीज मॉम संभालिए आदि, यूज इट, कभी मुझे भी देख के घबरा रहे हैं, यूज इट आदि, इधर कुछ शगुन, तुम मेरे साथ ऊपर चलो, चलो ऊपर, कहां ले जा रहे हो? सिमी, सिमी, सिमी प्लीज, तो जा पानी लेके आ। हां मैं लेके, सिमी आ जाओ, ऊपर शगुन पानी लेके आओ, प्लीज छोड़ो शगुन, चलो अभी मेरा बच्चा। तुलसी जी चलो पानी पिला, ले बेटा पानी पी, पानी। उस औरत के लिए इतना कर रही हूं जिसने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सचमुच बहुत लकी हूं कि मुझे तुम जैसी इतनी अच्छी पत्नी मिली। कोई गल नहीं पुत्र, रब ते भरोसा रख, सारा कुछ ठीक हो जाना। क्या ठीक होगा मां, आधी की हालत देखी आपने, शगुन नशे में धुत रास्ते पे पड़ी है, छोटा बच्चा मेरा बेटा संभाल रहा है उसे, क्या जिंदगी दी है मैंने अपने बच्चों को। ऐसे नहीं कहते पुत्र, देख हम सब है ना, हम सारे मिलकर संभाल लेंगे। संभाल तो इसी तरह, डर इस बात का है कि
शगुन याद ही कोई बदतमीजी ना करे उसके साथ बस। तू इशिता की फिक्र ना कर, वो इतनी कमजोर नहीं है, बड़ी समझदार कुड़ी है वो सारा कुछ संभाल लेगी। तू तो ऐ शुक्र मना कि आदि हमारे पास आ गया, ऐ बहुत चंगा होया। हुन तू उसका ध्यान रख, ते एक बात का खास ख्याल रखी कि वो तेरी ये हालत ना देखे, उसको तेरे सहारे की लोड़ है पुत्र। देख रमन, तूने आदि की खातिर स्ट्रांग बनना है, बनेगा ना? शाबाश मेरा बच्चा, संभाल अपने आप को। चलिए ना तो ठीक है। ओह बेबी बेबी, अब तो मैंने मीका के साथ शादी भी कर ली, अब मुझे उसके साथ सुहागरात मनाने से कोई नहीं रोक सकता। मीका माय लव, मैं आ रहा हूं। सॉरी बेबी, मैं बहुत इंतजार करवाया ना मैंने। फर्नांडो, अमिया, क्लोरिया से आउट। तुम मेरी बीवी हो, आज हमारी पहली रात है एक साथ। व्हाट आर यू डूइंग? बीवी, तुझे क्या लगता है मैं तेरी बीवी हूँ तो तेरा हक है मुझ पे? देख, एक उंगली भी रखी ना मुझ पे तूने तो मैं तेरा हाथ यहीं तोड़ दूंगी, समझा? पर बेबी, डोंट यू डेयर बेबी मी। शोक करना, तुझे लगता है तुझे सब कुछ मिल जाएगा? देख, तेरी मेरी शादी एक वजह से हुई है। क्या यार, शोक ये लगाना जरूरी है क्या? लगा लेना भाई, परफॉर्मेंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। राइट, ओके, यू रेडी? आगे आगे आगे, मत गिरा। क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ देख ले सकती तुम, कोमा में है मेरा भाई, इस सब हीर ने किया है। देखिए आप प्लीज खुद को कंट्रोल कीजिए। नर्स, आप इन्हें बाहर लेके जाइए प्लीज। बेचारा भाई, हीर ने ये सब कुछ किया, कैसे मारा उस बेचारे को? डॉक्टर प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज डॉक्टर प्लीज। देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इनकी हालत बहुत खराब है, आप इस समय सिर्फ प्रे कर सकते हैं। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए क्योंकि ये पुलिस केस है। मैं जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। अशोक प्लीज, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। यू विल हैव टू मैरी मी मीका। जीत गया ना तू, बन गई मैं तेरी बीवी, ले लिया जिससे बदला लेना था तुझे। शगुन, मिहिर, रमन, जीजू, अक्का, सबको मजा चखा दिया ना तूने, बन गई मैं तेरे घर की ट्रॉफी। अब तू इस ट्रॉफी को अपने घर में सजा के रख, उसके अलावा तेरे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बेका, कैसी बातें कर रही हो? Get out of my room, out! ये ले अपना पिल्लो, पकड़ और निकल यहाँ से, चल जा। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और बता दूंगी कि इंस्पेक्टर साहब, मेरा पति मुझसे जबरदस्ती कर रहा है, ही इज फोर्सिंग मी। फिर क्या होगा? तेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनेगा और तू सीधा जेल जाएगा लंबे टाइम के लिए। इसलिए अगर तू ये नहीं चाहता तो चुपचाप मेरी बात मान और यहाँ से निकल। अरे मीका, कैसी बातें कर रही तू? ऐसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मैं सोफे पे सो, ओके? सुनका, प्रॉन, गेट आउट ऑफ माय रूम। बिना परमिशन के अंदर भी मत आना, समझा? आउट। क्या औरत है यार ये? इससे अच्छा तो शक होनी थी। अशोक,
शगुन की याद आ रही है ना, बट सोचो उसके बारे में। शगुन से शादी कर ली होती तो तुम्हारी लाइफ में ये पंगा ही नहीं पड़ता। अब पंगा ले लिया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बाय। ले पुत्र, बस इकने वाला होर, मुंह खोल मेरा बच्चा, शाबाश 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 मेरा बेटा, बहुत सोना पुत्र है। आदि, एक बात बता, तुझे शगुन नुमा इस हाल में कहाँ मिली, कैसे मिली, क्या हुआ क्या उनके साथ बेटा? अपने पापा को कुछ तो बता प्लीज। बोल पुत्र। पापा है, दादी है, दादा है, चाचू है, सारे घर के लोग है ना, डर नहीं पुत्र, बता मेरा बच्चा, शाबाश। मॉम को अशोक अंकल का फोन आया था, उन्होंने मिलने बुलाया था, तो मॉम ने मुझे कहा कि उन दोनों की शादी होने वाली। बेबी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अशोक पापा हमें बहुत मिस कर रहे हैं, देखना अब फाइनली मैं मिसेस शगुन अशोक खन्ना हो जाऊंगी। I'm gonna get married, everything is gonna be fine। फिर मॉम बहुत देर से घर नहीं है, तो मैंने उन्हें कॉल किया, पर किसी अंकल ने फोन उठाया और उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा बेटा? आदि, अब मैं हूँ तेरे साथ, क्या कहा उन्होंने बता? क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा कि मॉम ने बहुत ड्रिंक किया और वो वहां गिर गई, और फिर मैं जब वहां पहुंचा उन्होंने सच में बहुत ड्रिंक कर लिया था। और फिर मेरे बेटे ने अपनी मम्मी को संभाला, है ना? अशोक के यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो शगुन ने ऐसी हालत कर ली अपनी? हाँ जी बेटा, पता तो सही, क्या हुआ अशोक अंकल के घर पे ऐसा? बाप ने कहा कि अशोक अंकल ने शादी कर लिया। बस अशोक अंकल ने शादी, मॉम ने आधी साफ साफ बता, मॉम ने क्या कहा, क्या हुआ वहां पर? जब मॉम वहां पहुंचे तो अशोक अंकल ने उन्हें बहुत इंसल्ट की, उनसे कहा कि वो कचरा है और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके लिए मॉम। बेटा, अशोक अंकल ने शादी किससे की है आदि, कुछ तो बता। अशोक अंकल ने भीख हट्टी से शादी कर ली। क्या? औरतों से तो भगवान ही बचाए, जे मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया न जाने क्या समझती। मीका कहाँ है? ऊपर। मीका को तूने ब्लैकमेल किया ना? मीका को तूने ब्लैकमेल किया ना साले? हाँ, ब्लैकमेल किया ना मीका को? और साले उठ। क्या सुन रही हो मैगी? तुमने शादी कर ली अशोक के साथ? क्या मीका, क्या सोच रही थी तुम? अच्छा मुझे बताओ, उसने तुम्हें कोई धमकी दी है क्या? उसने दोबारा से तुम्हें ब्लैकमेल किया है? मैं हूँ तुम्हारे साथ में मीका, अगर उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है ना, मैं हूँ, मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी इस जंगल से। लेकिन जस्ट टेल मी मीका, तुमने लास्ट टाइम भी यही हरकत की थी, तुम पागल हो क्या? नंबर की इतनी बड़ी बात हो गई थी पिछले बार भी, अब तुमने हमें नहीं बताया, चलो अभी तुमने फिर से हमें नहीं बताया। अभी तुम मुझे बोलती, रमन को कहती, कुछ तो करती। तो कहाँ, रिलैक्स। चलो तुम्हें हंस, रिलैक्स। आपको आदत है, अब हर बात पे सेंटी हो जाते हो, ओवर रिएक्ट करते हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? लिसन टू मी। हाँ, मैंने अशोक से शादी की है, अपनी मर्जी से की है, उसने मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की, ना ही मुझे ब्लैकमेल किया, और मैं बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी। मेरी आंखों में देख के बोल, तू अशोक से शादी करना चाहती थी? अशोक से? हाँ, झूठ बोल रही मीका, इट्स अ लाई, यही सच है।
पागल हो गई है क्या? मीका, जिस अशोक से तुम नफरत करती थी, तुम उससे शादी करना चाहोगी? तुम बड़ी क्यों नहीं हो रही है? मैं तो ये सोच रही हूँ, बच्ची की बच्ची रह जाएगी क्या जिंदगी भर? मीका बेटा, ऐसे शादियां नहीं होती है, ये सब बकवास है। उसने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल बोल के बरगलाया, लेकिन ऐसा नहीं होता है असल जिंदगी में। डोंट वरी, तुमने भीड़ से बात की इस बारे में? ना तुमने भीड़ से बात की, ना हम लोगों से। मीका, ऐसा नहीं होता है। देख, ये सब फेक था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? We are with you. मैं और अमित तुम्हें लेने आए, चलो यहाँ से। अक्का, पापा, ये सब क्या है मीका? ये सिंदूर विंदूर क्या है? क्या है? उतारो ये बकल सूत्र, ये सिंदूर क्या है? क्या है? इन्ना! Don't say that! Ashok is my husband. Please don't touch this. I don't like it. शादी करने वाली थी, फिर लेकिन सोचा उसके बारे में, मुझे लगा ही इज नॉट द गाय फॉर मी। और अक्का, आप तो मुझसे कुछ बोलो ही मत। आपका पति कौन है? जीजू इज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, रमन कुमार भल्ला, रिच, पावरफुल। तो मैं जीजू के नौकर से शादी क्यों करूं? हाँ, नॉट फेयर अक्का। और आप मुझे जानते नहीं, ओके? मैं एम्बिशियस हूं, मुझे पैसा पसंद है, पावर पसंद है। आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स। और मैं इसके लिए क्यों अपोलोजेटिक हूं? जिंदगी भर मैंने स्ट्रगल किया है, एक मिडिल क्लास एवरेज लड़की की लाइफ जी है मैंने, और अब देखो, आई एम मिसेस अशोक खन्ना, वाइफ ऑफ अ रिच एंड पावरफुल मैन। अका, लेट मी बी ऑनेस्ट, जब ये अशोक का स्कैंडल हुआ था ना, तो मैंने मीर को देखा, का वो कमजोर है। He doubted me, Akka, and you know it. वो मुझे बचा नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद को बचा लेती हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को बचा लिया, अशोक से शादी कर ली। And look at my house, Akka. Look at me, power, luxury. Look at my house, Akka. आपको पता नहीं ना, पता है अशोक मिलने क्या करने वाला है? मेरी खुद की कंपनी मुझे खोल के देगा, जिसकी बॉस मैं होंगी। Not some middle class नौकर जिसकी एक fixed salary होती है। सारे calls मैं लूंगी। अब अगर एक rich और powerful आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो क्या मैं fool हूँ कि मैं उसको अपने से दूर कर दूंगी? Think about it, यार। कुटी, तू किसके शब्द बोल रही है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। तू कौन है? अक्का, मैं वही मीका हूँ जो मीर से एक टाइम पे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अक्का, वो कमजोर लोग एक कामयाब जिंदगी नहीं बना सकते। हम दोनों बहुत कमजोर थे। नो अक्का, I can't be with Meer. I had a choice. और मैंने ताकत को चुना, पैसे को चुना, पावर को चुना। And I think मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया अपने लिए। अक्का, लुक, I'm being honest. मैंने अम्मा को देखा स्ट्रगल करते। दिल्ली में आके मैंने खुद स्ट्रगल किया एक मीडियोकर सैलरी में। अक्का, नहीं होता अक्का मुझसे। मैं एक मिडिल क्लास लाइफ नहीं जी सकती बंधु अक्का, बाला जीजू की तरह। नो अक्का, मुझे चाहिए ये सब, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने शादी किससे की है? एक रिच एलिजिबल बैचलर से की है अक्का, तो मैं क्यों रिग्रेट करूं? सी अक्का, काम डाउन। मुझे पता है अभी अब क्या होने वाले। पुट्टी, व्हाई हैव यू डन दिस? तूने गलत किया है, मैं तुझे बचा लूंगी, अशोक बुरा आदमी है। मुझे ये सब नहीं सुना, ठीक है ना? इसलिए एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने लाइफ में
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।